हेलो हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो इट इज़ अवर सोशल स्टडीज़ लेक्चर टाइम एंड आई एम योर एसएससी एजुकेटर मिस्टर इज़ुद्दीन कापड़िया। वी वर लर्निंग अवर चैप्टर नंबर 3। व्हाट वाज़ द नेम ऑफ चैप्टर? इंडिया फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न। हमने इसमें लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि फिजिकल डिवीज़न क्या होता है और पॉलिटिकल डिवीज़न क्या होता है, ये डिफरेंस देखा था। क्या होता है फिजिकल डिवीज़न और क्या होता है पॉलिटिकल डिवीज़न, जल्दी बताइए। फिजिकल डिवीज़न मींस जिसको नेचर ने बांटा है, और पॉलिटिकल डिवीज़न मींस जिसको लोगों ने बांटा है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंडिया में कभी हर जगह कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर प्लेट्यूज है। तो ये सब किसी इंसान ने नहीं बांटा कि यहाँ पे चलो डेजर्ट बना देते हैं, यहाँ पर चलो माउंटेन रख देते हैं। ये नेचर ने किया है, ये किसी इंसान का काम नहीं है। तो जो चीज़, जो डिवीज़न नेचर ने किए है, वो कौन सा डिवीज़न है? फिजिकल डिवीज़न है। और जो डिवीज़न इंसान बनाते हैं, लाइक अपने इंडिया को 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ में बांट रखा है, तो ये 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ को किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। ठीक है कि चलो ये स्टेट यहाँ से यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा, ये यूनियन टेरिटरी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म होगा। तो ये डिवीज़न कौन सा वाला कहलाता है? पॉलिटिकल डिवीज़न है। तो ये डिफरेंस है फिजिकल डिवीज़न और पॉलिटिकल डिवीज़न में। फिर हम फिजिकल डिवीज़न पढ़ रहे थे। फिजिकल डिवीज़न में के 6 पार्ट्स है। क्या है वो 6 डिवीज़न्स? नॉर्थन माउंटेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, नॉर्थन प्लेन्स, साउथन प्लेट्यू, आइलैंड रीजन। ठीक है, उसमें से हमने नॉर्थन माउंटेन पढ़ लिया था कि नॉर्थन माउंटेन में सबसे ऊपर साइड नॉर्थन माउंटेन होता है, हिमालय होता है, और इस हिमालय रेंज में दो टाइप की रेंजेज आती है, एक तो हिमालयन रेंज और एक काराकोरम माउंटेन रेंज। और मैंने आपको बताया था कि हिमालय सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, और ऊपर की तरफ उसमें स्नो रहती है। उसके बाद हमने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब पूरा प्लेन जमीन का हिस्सा, वहाँ पर बहुत सारी रिवर्स बहती है, गंगा, यमुना, रवि, सतलुज, ये रिवर्स बहती है। और ये रिवर्स का कनेक्शन कैसे है? डायरेक्ट हिमालय से। ये रिवर्स हिमालय से स्टार्ट होती है और कहाँ आके बह, हिमालय में ऊपर की तरफ जो बर्फ़ है वो बर्फ़ पिघलता है और क्या फॉर्म ले लेता है? रिवर्स का फॉर्म ले लेता है। और ये इसकी खासियत क्या है नॉर्थन प्लेन्स की, कि यहाँ की नदियाँ साल भर 12 मंथ्स बहती रहती है। उसके बाद हमने देखा था ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट में हमने क्या देखा था? थार डेजर्ट इज नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, और ये राजस्थान में है, यहाँ पर कोई भी तरह का प्लांटेशन नहीं होता। तो हमने फिजिकल डिविजन्स की 6 में से कितनी चीज पढ़ ली है? 3 चीज पढ़ ली है, नॉर्थन माउंटेन्स, नॉर्थन प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब हम पढ़ेंगे साउथर्न प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड रीजन। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो द साउथर्न प्लेट्यू है, साउथर्न प्लेट्यू पढ़ने में हम SOUTHER एंड साउथर्न आ रहा है प्रोनंसिएशन, बट एक्चुअल में इसको साउथर्न नहीं बोला जाता है, एक्चुअल में इसको बोला जाता है सदर्न। क्या बोला जाता है? सदर्न प्लेट्यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सदर्न प्लेट्यू से। द लैंड विच इज फ्लैट एंड हायर देन इट्स सराउंडिंग आर कॉल्ड प्लेट्यूज। द सदर्न प्लेट्यू कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री, इट इज अ ट्रायंगुलर शेप। देखो सदर्न प्लेट्यू वाला रीजन कौन सा वाला है? ये वाला। देखो ये द सदर्न प्लेट्यू बना हुआ ना, ये जो ग्रीन ग्रीन वाला पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा सदर्न प्लेट्यू वाला एरिया है आपका। ठीक है, तो ये जो सदर्न प्लेट्यू है, ये सदर्न प्लेट्यू ट्रायंगुलर शेप में, देखो ट्रायंगल है ना, उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, अब प्लेट्यू होता क्या है? प्लेट्यू होता है ए फ्लैट एरिया ऑफ लैंड विथ फ्लैट टॉप एंड स्टीप स्लोप। मीन्स ऊपर की तरफ तो पूरा प्लेन रहेगा, लेकिन जो उस एक ऊंचाई वाला हिस्सा है, मीन्स एक एक होता है पहाड़, एक होता है माउंटेन आपका ऐसे रहता है, और एक होता है घाटी वाला हिस्सा, कि घाटी आप अपन घाटी देखते हैं ना, घाटी ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, फिर ऐसे ही करके नीचे उतरती है। आपने फ्लाईओवर्स देखे होंगे, तो फ्लाईओवर्स धीरे से ऊपर जाके फिर वापस से नीचे उतरते हैं, वैसे ही प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू पता है घाटी वाला हिस्सा होता है। घाटी वाले हिस्से में क्या अलग होता है उसमें, कि मतलब जो घाटियाँ होती है ना, उसकी एकदम खड़ी होती है। मीन्स ये रोड चल रहा है, फिर एकदम से नीचे की तरफ उतर गया, मतलब आराम से ऐसे नीचे धीरे 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 तरफ करके नीचे नहीं आ रहा है, एकदम से नीचे उतरे और चढ़ेगा भी एकदम से ही। तो ये वाला जो पूरा
पूरा जो रेंज होता है ना उसको कहते हैं प्लेट्यू, प्लेट्यू को हिंदी में कहते हैं पठार, ठीक है। तो ये पूरा पठार वाला पार्ट है आपका, द सदर्न प्लेट्यू वाला, ठीक है। द लैंड विच इज फ्लैट एंड हायर देन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड प्लेट्यू, मीन्स बीच बीच में आपको क्या है कि ऊंची ऊंची जमीन देखने को मिल जाएगी। इट इज ट्राइंगुलर इन शेप, इट इज ब्रॉड टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड नैरो डाउन एज वी गो टूवर्ड्स साउथवर्ड्स। इट इज सराउंडेड बाई अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। इट कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। क्या कह रहे हैं वो अपन को कि ये ऊपर का ऊपर के पार्ट में, देखो मैंने आपको क्या बताया कि उल्टा ट्राइंगल बनाता है, उल्टा ट्राइंगल बन रहा है तो कैसे बन रहा है उल्टा ट्राइंगल, देखो मैं आपको पेन से, देखो ये ऊपर से तो ब्रॉड है पर नीचे आते आते एकदम नैरो होता जा रहा है। देखो यहाँ ऐसे करके ये पूरा ऐसे आ रहा है, उल्टा ट्राइंगल बना रहा है। नॉर्थ में इसका ज़्यादा हिस्सा कवर है, साउथ में आते आते इसका हिस्सा कम हो जाता है, वो ये कह रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं आगे कि अरेबियन सी, एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ इंडियन पेनिनसुला है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमें इंडिया में कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि अरेबियन सी कहाँ है और बे ऑफ बंगाल कहाँ है। ए बी सी डी पढ़ते हैं ना तो ए पहले आता है और बी बाद में आता है, तो यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल और नीचे है इंडियन ओशन। तो ये पूरा जो पार्ट है ये प्लेट्यू का है, ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट, तो एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ इंडियन ओशन है। अभी आपको प्लेट्यू के लिए यही समझना है कि प्लेट्यू एक ऐसा घाटी का पार्ट है जिसमें घाटी एकदम से स्टार्ट होकर एकदम से खत्म हो जाती है और बीच में फ्लैट पार्ट होता है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास फोर्थ क्लास में इसको प्रॉपरली पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे प्लेट्यू क्या होता है। अभी हमें खाली यही समझना है कि प्लेट्यू लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री कवर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ की तरफ ब्रॉड है और नैरो हो जाता है साउथ में आते आते, ठीक है। उसके बाद आता है द कोस्टल प्लेन्स। मैंने आपको कोस्टल प्लेन्स लास्ट लेक्चर में समझाया था कि कोस्टल प्लेन्स क्या होता है कि जो समुद्र के किनारे वाला जो हिस्सा होता है, वो जो प्लेन्स वाला हिस्सा होता है, किनारे वाले हिस्से में जो प्लेन प्लेन वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। देखो मैंने आपको ये ग्रीन दिख रहा है ना, इस ग्रीन के बाद देखो ये येलो 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 दिखेगा, ये पूरा कोस्टल प्लेन्स वाला हिस्सा है, ठीक है। अब इस कोस्टल प्लेन को समझते हैं अपन। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मीन्स इंडिया को अगर अपन देखा जाए तो नीचे की तरफ से तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से। देखो यहां से समुद्र जो स्टार्ट होता है गुजरात से लेकर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो ये भी पूरा समुद्र है, ये भी, ये पूरा जो हिस्सा है ये पूरा समुद्र के पास पास में ही आ रहा है। तो मीन्स यहाँ पे भी समुद्र है, यहाँ पे भी समुद्र है, मतलब यहाँ पे जो भी सिटीज पड़ती होगी उस सबको समुद्र, उस सब सिटी के किनारों में समुद्र होगा। तो ये वाला जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर के आपका पूरा ये पूरा क्या है, कोस्ट लाइन बनाता है। क्या बनाता है, ये पूरा कोस्ट लाइन बनाता है। तो इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कॉस्ट लाइन, इंडिया के पास बहुत बड़ी कॉस्ट लाइन है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक की कॉस्ट लाइन कवर करता है। ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया इट इज कॉल्ड वेस्टर्न कॉस्ट लाइन प्लेन एंड ऑन द ईस्टर्न साइड ईस्टर्न कॉस्टल प्लेन। वेस्ट के पार्ट में इसको वेस्टर्न कॉस्टल प्लेन कहते हैं, देखो ये वेस्ट के पार्ट का जो पूरा हिस्सा है उसको वेस्टर्न कॉस्टल प्लेन कहते हैं, ईस्ट के पार्ट का जो पूरा हिस्सा है उसको ईस्टर्न कॉस्टल प्लेन कहते हैं, ठीक है। द प्लेन स्टेज फ्रॉम अबाउट 6,000 किलोमीटर ऑफ मेन लैंड, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द डेक्कन प्लेट्यू। ये पूरा जो हिस्सा है ये कितना कवर कर रहा है, 6,000 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर, ओके, मतलब 60 किलोमीटर या 600 किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, कितना कवर कर रहा है ये, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 6,000 किलोमीटर कवर कर रहा है, 6,000 किलोमीटर। They are separated from each other by the Deccan Plateau. ये जो बीच में Deccan Plateau है वो दोनों को सेपरेट कर देता है, बट दे मीट ईच अदर एट कन्याकुमारी। द लैंड इन दिस रीजन इज वेरी फर्टाइल एंड क्लाइमेट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। मीन्स यहाँ के, अब समुद्र के पास वाला है तो पानी पानी तो है ही, और पानी है, पानी की नमी रहती है, तो वो वाला हिस्सा पूरा क्या है, पूरा साल भर फर्टाइल रहता है, ठीक है। और यहाँ का क्लाइमेट ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है, गर्मी भी रहेगी तो समुद्र की के पास वाली जो ठंडक होती है, पानी के पास ठंडक होती है ना, तो पास वाली ठंडक उस क्लाइमेट को उस गर्मी को कम कर देती है। तो उस यहाँ का क्लाइमेट ना ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा ठंडा। अब आते हैं द आइलैंड रीजन पर। देखो हमने 6 डिवीजन में से 5 तो देख लिया, अब लास्ट बचा है आइलैंड रीजन। एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड
सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। आइलैंड क्या होता है? एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसको चारों तरफ से पानी है, जिसके चारों तरफ क्या है, पानी है। मैं आपको बताता हूँ, ये एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ये जमीन का टुकड़ा समझ लो। अब इसके चारों तरफ क्या है, पानी 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 पानी। तो ये ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ पानी है उसको क्या कहते हैं, आइलैंड। ओके, देर आर मैनी स्मॉल आइलैंड अलॉन्ग द टू कोस्टल प्लेन्स। सम ऑफ दिस आइलैंड आर पार्ट ऑफ इंडिया। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड बे ऑफ बंगाल इन द बे ऑफ बंगाल। अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज लक्षद्वीप सिचुएटेड इन अरेबियन सी। देखो यहाँ से लेके जो ये इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है ना, इस कोस्ट लाइन के बीच में बहुत छोटे छोटे दूसरे बहुत सारे आइलैंड है। पर देखो अगर अपन अरेबियन सी में देखें और बे ऑफ बंगाल में देखें, तो अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ये जो आपको अंडमान एंड निकोबार इतना छोटा सा दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में इतना छोटा नहीं है, ये आपको मैप में इतना छोटा दिख रहा है बट एक्चुअल में ये बड़ा है। और यहाँ पे भी ये लक्षद्वीप, इसके लिए तो कल डॉट 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 ही दिखेंगे आपको, पर ये डॉट 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 खाली मैप में आपको डॉट लगेंगे, पर एक्चुअल में बड़ा होता है ये, ठीक है। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये जो हमने सिक्स पार्ट पढ़े ना इंडिया के फिजिकल डिवीजन के, इस सिक्स पार्ट को हम पूरे के पूरे चैप्टर्स आएंगे आपको फोर्थ क्लास में। अभी आपको खाली ये लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इंडिया का फिजिकल डिवीजन कैसा है, ठीक है। तो इंडिया के फिजिकल डिवीजन में हमने अभी तक क्या पढ़ा, छह चीज पढ़ी। सबसे पहले ऊपर की तरफ इंडिया में क्या है, माउंटेन्स है। सबसे बड़ा माउंटेन क्या है, हिमालय है। उसके बाद हमने ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पढ़ा कि वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, बालू रेत होती है। और कहाँ पर है ये हिस्सा, राजस्थान में। कोस्टल प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा। कोस्टल प्लेन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कोस्टल प्लेन इंडिया की कोस्ट लाइन है, ठीक है। कोस्ट लाइन को कवर करती है, पानी समुद्र के पास वाला हिस्सा कोस्टल प्लेन में आता है। नॉर्थन प्लेन्स इंडिया के नॉर्थ में होता है, पूरा प्लेन हिस्सा है, ये हमेशा फर्टाइल रहता है। सदर्न प्लेट्यू मैंने आपको समझाया कि ऐसी जमीन जो ऊपर और नीचे की तरफ बहुत जल्दी से ढल जाती है। अब हमने इंडिया के फिजिकल डिवीजन के बारे में तो जान लिया, अब हम देखते हैं पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है, इंडियाज नेबर, इंडिया के पड़ोसी कौन है हमारे, ठीक है। अपने घर के आसपास हमारे पड़ोसी होते हैं ना, तो इंडिया के आसपास कौन है, इंडिया के पड़ोसी कौन से देश हैं, ठीक है। इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाई सम कंट्रीज विच आर नोन एज इट्स नेबर। सब कॉन्टिनेंट्स, देखो इंडिया का जो ये नीचे नीचे वाला जो पूरा पार्ट है, यहाँ पे तो समुद्र है, तो यहाँ पर तो कोई पड़ोसी है नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर का जो पार्ट है जो हमें व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पे दूसरी कंट्रीज है, वो इंडिया की पड़ोसी है। देखो हम देखते हैं कौन सी दिख रही है हमें। एक तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, म्यांमार, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। और देखो नीचे यहाँ क्या है, श्रीलंका। इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान इन द वेस्ट। वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान। चाइना इन नॉर्थ, नॉर्थ में चाइना है। नॉर्थ ईस्ट, नेपाल इन नॉर्थ, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार इन ईस्ट। भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, यहाँ पर देखो ये भूटान है, ये इतना छोटा है कि आप नोटिस भी नहीं कर पा रहे होंगे। बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है, इन ईस्ट। एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स इन साउथ। श्रीलंका और मालदीव्स साउथ में है, ठीक है। देर आर दीज आर अवर नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया इज सेंटर ऑफ मैनी रिलीजन्स। इंडिया इज होम टू वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन एंड हैज गिवन बर्थ टू फोर मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स। इंडिया एक तो इन कंट्रीज का नेबर तो है ही, लेकिन इंडिया सेंटर ऑफ मैनी रिलीजन्स है। जो रिलीजन्स इन दूसरी कंट्रीज में पाए जाते हैं, वो सारे रिलीजन हमारी कंट्री में भी पाए जाते हैं। और जो मेन फोर रिलीजन्स है, ठीक है, उसका बर्थ इंडिया में ही हुआ है। वो कौन से मेन रिलीजन्स है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। हिंदू धर्म का जन्म भी भारत में ही हुआ है, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का और सिख धर्म। ये चार जो धर्म वर्ल्ड में भी बहुत सारी जगह जो माने जाते हैं, लेकिन ये धर्म स्टार्ट कहाँ से हुए हैं, इंडिया से स्टार्ट हुए हैं। हम अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, इंडिया पॉलिटिकल डिवीज़न। इंडिया का पॉलिटिकल डिवीज़न क्या है, पॉलिटिकल डिवीज़न क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया था कि फिजिकल डिवीज़न में तो नेचर बांटता है, पॉलिटिकल डिवीज़न में इंसान बांटते हैं, सरकारें बांटती हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ
29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। अगर आपकी बुक में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज लिखा है तो आप उसको सही करके 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज कर दीजिए। लास्ट ईयर ये चेंज हो चुका है, लास्ट ईयर अगस्त 2019 में ये चेंज हो गया था। अब जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट में आता था, अब जम्मू कश्मीर स्टेट ना होकर यूनियन टेरिटरी बन चुका है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर को, ये जो जम्मू कश्मीर है ना, ये अब स्टेट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी। और जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट्स में बांट दिया है और इसका एक पार्ट लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है, वो भी यूनियन टेरिटरी है। अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज कलेक्टिव कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसको क्या कहा जाता है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट इज डिफिकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन ईच पार्ट ऑफ कंट्री। अब इंडिया को ना दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स आपकी मोदी सरकार। मोदी जी क्या है? पूरे इंडिया के प्रधानमंत्री है। लेकिन मोदी जी पूरे इंडिया में सब जगह जाके सब जगह देख रेख तो नहीं कर सकते ना कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो क्या कर रखा है कि इंडिया की जो 28 स्टेट्स है ना, तो 28 स्टेट्स की भी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है। जैसे अपने एमपी में, अपने एमपी का चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। तो एमपी की देख रेख कौन करते हैं? शिवराज सिंह चौहान करते हैं। और कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर वो आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे इंडिया को 28 स्टेट्स में बांट रखा है। और अगर इन स्टेट्स को कौन संभालता है? चीफ मिनिस्टर। और पूरे इंडिया को कौन संभालता है? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलकर संभालते हैं। प्राइम मिनिस्टर के भी ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन ईच पार्ट ऑफ कंट्री। फॉर गवर्निंग सच ए बिग कंट्री द गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड एट 2 लेवल। इतनी बड़ी कंट्री को संभालने के लिए एक गवर्नमेंट काम में नहीं आई, तो गवर्नमेंट को दो भाग में बांट रखा है। कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मैंने आपको समझा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया का ख्याल रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट उसी स्टेट का ख्याल रखेगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट रहता है, प्राइम मिनिस्टर रहता है और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, उनकी काउंसिल रहती है मिनिस्टर की। ईच स्टेट एज अ गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन। हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश की अपनी गवर्नमेंट है, राजस्थान की अपनी गवर्नमेंट है, हर स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट होती है। उनको लास्ट में किसको रिपोर्ट करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। मोदी सरकार जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको आखिरी में रिपोर्ट करना होता है। कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो मोदी जी की सरकार पूरे देश को संभालती तो है, पर छोटी छोटी चीज़ों को वो नहीं देख पाएंगे वहाँ पे बैठ कर, ठीक है, पूरे देश का। तो हर पूरे देश को इन्होंने 28 भाग में बांट रखा है। वो 28 सरकारें अपने अपने स्टेट्स को चलाती है। ईच स्टेट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन विच कंसिस्ट ऑफ बाय द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और मिनिस्टर मिलकर संभालते हैं इसको। सम एरिया ऑफ द कंट्री आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी 28 स्टेट्स। इसमें भी, इस पूरे 28 स्टेट्स में भी कुछ कुछ एरिया कंट्री का इंक्लूड नहीं है। एंड आर नोन एज यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देर आर 9 यूनियन टेरिटरीज। अब ये 28 स्टेट में जो एरिया इंक्लूड नहीं है, वो इंडिया का ही एरिया है पर उसको इंक्लूड नहीं कर रखा 28 स्टेट्स में, तो उसको क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरी कहते हैं। और उस यूनियन टेरिटरी को कौन संभालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभालती है, मतलब मोदी सरकार ही संभालती है। वहाँ की कोई अलग स्टेट या कोई अलग गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। इसका एक्सेप्शन है वैसे, लेकिन अभी आपको वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेगा। 2 यूनियन टेरिटरीज, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौडुचेरी हैव देयर ओन लेजिस्लेचर। मुझे था कि वो नेक्स्ट क्लास में होगा, बट आपके यहाँ नीचे लिख रखा है उन्होंने। ये 9 स्टेट्स में से 2 स्टेट ऐसी हैं जिनकी अपनी अपनी अलग गवर्नमेंट है, लेकिन बाकी की जो 7 स्टेट्स है उसकी अलग अपनी सेपरेट गवर्नमेंट नहीं है। उसको कौन संभालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभालती है। कौन सी 2 स्टेट है जिसकी अपनी गवर्नमेंट है यूनियन टेरिटरीज में? दिल्ली और पौडुचेरी। दिल्ली को स्टेट में कभी काउंट नहीं करते, दिल्ली हमेशा यूनियन टेरिटरी में काउंट होती है, और दिल्ली अपने इंडिया की कैपिटल भी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप इज द बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी एंड लक्षद्वीप इज इन स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में ये अंडमान एंड निकोबार सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी और लक्षद्वीप, जो आपको खाली इसमें पॉइंट पॉइंट में दिखेगा, ठीक है, वो सबसे छोटी यूनियन टेरिटरीज है। कुल कितनी यूनियन टेरिटरी है? 9। कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन कैपिटल। हर स्टेट की अपनी एक कैपिटल होती है। एमपी की कैपिटल क्या है पता है आपको?
यस राइट आंसर भोपाल। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है सारी स्टेट्स में। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट, गोवा सबसे छोटा है, देखो ये गोवा यहां तो दिख भी नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश हैज मोस्ट पॉपुलस स्टेट एंड सिक्किम हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो यू एरिया में राजस्थान बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग कौन सी स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा लोग राजस्थान से भी ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं, सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम में सबसे कम लोग रहते हैं। ठीक है, द वेराइटी ऑफ लैंड सर्फेस फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट अफेक्ट ईटिंग हैबिट ऑफ पीपल एंड ऑल्सो डिटरमाइन वेयर दे चूज टू लिव एंड वर्क। हर जगह की, इंडिया की अपनी अपना क्लाइमेट अलग है, वहाँ की ज़मीन अलग है, वहाँ का मतलब कोई सी जगह माउंटेन्स में आ रही है तो कोई सी जगह डेजर्ट में आ रही है, तो कोई सी जगह प्लेट्यू में आ रही है, कोई सी जगह पेनिनसुला में आ रही है, कोई कोस्टल एयरलाइन में आ रही है। तो हर जगह का अपना अलग अलग है और लोग अपने हिसाब से वो जगह चुनते हैं कि उनको कहाँ रहना है, उनके हैबिटेट के हिसाब से। ईच स्टेट इन यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन कैपिटल, और यहाँ पर आपको देखो पूरी एक कंप्लीट लिस्ट दे रखी है कि कौन सी स्टेट की कौन सी कैपिटल है। मैं इसके लिए नेक्स्ट वीक एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको स्टेट्स एंड कैपिटल्स को अपन एक बार डिटेल में सारे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो चुका है और काफ़ी है ये आज के लिए। आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।